आंखों में चश्मा इसलिए लगा रखा है क्योंकि मेरी आंखों में ना बच्चों सूजन है, स्वेलिंग है, बहुत ही ज़्यादा पेन है और सूज रखा है, तभी ये मैंने चश्मा लगा रखा है। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। तो बिना किसी देरी के मैं मेन मुद्दे की बात करता हूँ, क्योंकि फरवरी मार्च से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम तो फरवरी में ही हो रहा है, तो मोस्टली जो बाकी बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं वो मार्च के एंड में और अप्रैल में शुरू हो जाएंगे। तो इस टाइम पे आके हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक कर लेना, आपको उसमें इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मैं सारे मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, विज्ञान है, गणित है, इंग्लिश है, सामाजिक विज्ञान है, इनकी मैं बात करूंगा कि अब इस टाइम पे आके आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और हाँ बच्चों, डेली वीडियोस आ रहे हैं चैनल पर और इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक्स मिल जाएगी, उसको ज़रूर देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं आसान विषय की। अगर मैं आसान विषय की बात करूँ तो हिंदी और सामाजिक विज्ञान सबसे आसान लगते हैं हमें, ये हम मानते हैं। लेकिन कैसे पढ़ना है, देखो हर एक विषय अपने में खासियत है, पांच सब्जेक्ट हैं, 500 नंबर के ही होंगे, 100% नहीं आएगा। ये नहीं कि विज्ञान 200 नंबर का आएगा, गणित 300 नंबर का आएगा, हिंदी 50 नंबर का आएगी या इंग्लिश 20 नंबर का आएगा, ऐसा नहीं है ना। हर एक विषय अपने में इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो हमें किसी को कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊँगा, और एक इसके बाद एक नया वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं टाइम टेबल की बात करूँगा, वो एक अलग टॉपिक है, तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। देखिए, आपको हिंदी कैसे पढ़नी चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मैं चीज़ों को डिस्कस करूँगा। हिंदी पढ़ने का जो स्ट्रेटजी होगी ना, हिंदी पढ़ने वैसे के लिए गद्य खंड और पद्य खंड, कविता और स्टोरी वाला चीज़ होता है और ग्रामर भी है, सबकी बात करेंगे। अगर मैं गद्य खंड की बात करूँ, स्टोरी आपको क्या है, प्रश्न उत्तरों को याद नहीं करना है। ठीक है, आप कहानी को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कहानी को अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई ना बच्चों, तो कहानी से पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं आप आराम से दे सकते हो, और हो सके तो उसके जो कठिन वर्ड हैं, जो वर्ड्स हैं, उनकी अर्थ क्या है वो जान लो, और किस कविता को किसने लिखा है, संज्ञा, तो जो भावार्थ होते हैं वो थोड़ा एक बार देख लो। ठीक है, कविता का भावार्थ क्या होता है ये ज़रूर आते हैं। उसके बाद हिंदी में भी आपको गद्य खंड और पद्य खंड में से छाटने के लिए उत्तर आते हैं, उसकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लगाओ। ये नहीं कि आप एग्जाम में जाके कर रहे, नहीं, एक दो पेपर लो और उनको खुद से बनाओ, अब देखो आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पेपर कैसा आता है उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी वगैरह जो आसान सब्जेक्ट लग रहे हैं ना, वो पेपर से दो दिन पहले ही पढ़ते हैं, ऐसा मत करो। अगर आपको बहुत आसान लगता है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन डेली पढ़ो। आसान लग रहा है, एक घंटा समय ज़रूर दो उस विषय को। उसके साथ साथ इसमें निबंध आते हैं, जो ग्रामर सेक्शन है। ठीक है, आज निबंध पढ़ लिया, दो निबंध आपने लिखने की, अच्छे अच्छे जो निबंध भी लिखने के तरीके हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, सामाजिक विज्ञान में, देखो आपको आता है उसको प्रेजेंट करना भी एक आर्ट है। अगर आप अच्छे वे में लिखोगे तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, नहीं तो नंबर बहुत कटते हैं इनमें। ठीक है, वो चीज़ भी ध्यान दें। जैसे आज निबंध कर लिया, कल पर्यायवाची पढ़ ली, ठीक है, डेली चीज़ों को प्रैक्टिस करो। आज जो पढ़ा, कल मुझे क्या पढ़ना है वो सोचो, और एक अपने नोटबुक डायरी बना के लिख दो कि मुझे कल ये पढ़ना है, मुझे ये आता है उस पर टिक लगा दो, मुझे ये आता है टिक लगा दो, जो नहीं आता उस पर और जोर लगाओ। ठीक है, सबसे जो हिंदी मीडियम बच्चों सबसे जो हार्ड लगता है वो हार्ड लगता है इंग्लिश। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है पूरे साल। और अगर इंग्लिश में पास होना हिंदी के बराबर ही आसान है। जो CBSE के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी थोड़ी टफ होती है, इंग्लिश बड़ी आसान होती है। क्यों, देखो इंग्लिश में क्या है, जैसा पैटर्न हिंदी का होता है सेम पैटर्न इंग्लिश का होता है, उसमें भी आपको गद्य खंड पद्य खंड मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा, आपके पास इंग्लिश पढ़ने के लिए एक रेफरेंस बुक ज़रूर होगी। उसमें क्या होगा ना, इंग्लिश में लिखा होगा और उसका रूपांतरण हिंदी में भी लिखा रहता है, इंग्लिश का हिंदी, मतलब कोशिश। अगर किसी बच्चे को ट्रांसलेट करना आता है हल्का हिंदी टू इंग्लिश में, तो वो बच्चा इंग्लिश में कभी फेल नहीं हो सकता। टूटी फूटी भी आती है चलेगा, लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम में। कैसे पढ़ना है, डेली वैसे पढ़ो, पहले स्टोरी पढ़ो हिंदी के इंग्लिश, और जो क्वेश्चन है ना बेटा उसको लिख लिख के याद करने की कोशिश करो, लिख लिख के याद करो, कोशिश करो। अगर आपको उसका स्टोरी पता है तो हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने की कोशिश करो, भले टूटी फूटी जो भी आपको आ रही है।
ठीक है, उसके साथ निबंध, नोट मेकिंग, ठीक है, उसके बाद जो जो भी चीज़ आती है वो डेली एक एक चीज़ प्रैक्टिस करो डेली। इंग्लिश को कम से कम आपको डेली डेली कम से कम 2 घंटे देने हैं इस टाइम पे आके, ठीक है। आपने पूरे साल भर विज्ञान गणित पढ़ा है, इंग्लिश बहुत कम पढ़ते हैं मैंने देखा है, तो इसको 2 घंटा दो और हिंदी को 1 घंटा दो, ठीक है, इस टाइम पे आके। स्कूल कॉलेजेस तो ऑलमोस्ट हर जगह बंद है कोविड के चक्कर में। अब सामाजिक विज्ञान की मैं बात करता हूँ, ये बहुत इजी चीज़ों में इसको कैसे पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको बस एक बार अच्छे से रीड करो, समझो रटना क्या है। जैसे डे है, इस दिन क्या हुआ था वो दिनांक याद कर लो, किसने क्या किया था वो याद कर लो, लेकिन पूरा पूरा प्रश्न उत्तर याद करोगे तो एक याद होगा, दो याद होगा, कितने याद करोगे यार, इतने बड़े बड़े उत्तर होते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या करना है, चैप्टर वाइज आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ो और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, आप उसको अच्छे से बना के लिखने की कोशिश करो, पॉइंट्स बना बना कर, ठीक है। और कोशिश करना, ठीक है, स्पेशली किनकी मैं बात कर रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित में पिछले जो 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं या आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, उसमें चैप्टर वाइज होता है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे होंगे, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ना उनको ज़रूर करके जाओ, क्योंकि आप देखो कि पैटर्न ही ऐसा बन जाता है कि वही क्वेश्चन बार बार आ रहे होते हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में इम्पॉर्टेंट ही आता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको तुम ज़्यादा जोर लगाओ, वो क्वेश्चन तुम तो करके ही जाओ, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो उसको पढ़ो, याद करो, जो करना है करो, लेकिन वो करके जाओ। और सामाजिक विज्ञान को जितनी बार दोहराओगे, एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया, रटना नहीं है, बार बार पढ़ोगे, समझते हुए पढ़ोगे, हाँ ये चीज़ ऐसे हुई थी, ठीक है, स्टोरी की तरह समझते हुए पढ़ोगे ना, इन्जॉय करते हुए पढ़ोगे तभी सीख पाओगे। और डेली कोशिश करनी है कि 2 चैप्टर सामाजिक विज्ञान के, सुबह से दोपहर तक 1 पढ़ लिया, शाम को 1 पढ़ लिया, क्योंकि आपके पास 4 बुक होंगी इसकी, ठीक है, तो कम से कम इस बुक का 1 चैप्टर, उस बुक का 1 चैप्टर, एक ही बुक के 2 चैप्टर पढ़ोगे तो बोरियत हो जाएगी, ठीक है। तो जियोग्राफी का 1 पढ़ लिया, पॉलिटिकल का 1 पढ़ लिया, ऐसे ऐसे करके चलोगे तो बैलेंस बना रहेगा, ये चीज़ ऐसे अप्लाई करना। विज्ञान में क्या है, ठीक है, विज्ञान और गणित का बिल्कुल सेम ही होता है। विज्ञान में कैसे पढ़ना है, विज्ञान के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं एनसीईआरटी बुक के और बॉक्स के अंदर के जो क्वेश्चन होते हैं वो तो करके ही जाओ, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी करा रखे हैं चैप्टर वाइज, डेली करा भी रहा, वो देख सकते हो। और क्या करना है विज्ञान में, देखो विज्ञान और गणित की खासियत क्या है ना कि जो क्वेश्चन है ना वो बार बार रिपीट होता है। गणित में क्या नंबर्स बदलते हैं लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप का आता रहता है। तो विज्ञान में खास तौर पर क्या है बेटा, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है ना वो करना। आप देखोगे जैसे चैप्टर नंबर 1 उठा लिया, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, उसके बाद अभिक्रिया को संतुलित करना, कुछ टॉप हर चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिन पर क्वेश्चन बार बार आ रहे होंगे, तो ऐसे टॉपिक्स ढूंढो और उनको करो। देखो ढूंढने की ज़रूरत हमें तब नहीं पड़ती जब हमने पूरे साल ढंग से पढ़ाई की है, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे आके थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हो तो स्मार्ट वर्क भी काम चल जाएगा। आप क्या करो, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें देखोगे कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, उनको अच्छे से करके जाओ, ठीक है। सारा एनसीईआरटी तो पढ़ोगे ही, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करने से पता लगता है कि जो क्वेश्चन थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लग रहे हैं कि बाहर से आ रहे हैं वो तुम्हें उस क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है, पेपर में मिल जाता है, तो उनको ज़रूर करके जाना। और ये पूरे विज्ञान के हर एक चैप्टर में होना चाहिए ऐसा। गणित में भी यही नियम है, आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है, एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी के हर एक उदाहरण को करना है, उसके साथ साथ जो क्वेश्चन बैंक जो मैंने चैप्टर वाइज करा रहा, क्योंकि गणित और विज्ञान तो मैं आराम से करा दे रहा हूँ, वो आप मेरे पर डिपेंड रह जाइए। सामाजिक विज्ञान भी लेके आ रहा हूँ कुछ ही दिनों में, लेकिन फिलहाल अभी जो चल रहा है विज्ञान और गणित ये मैं पूरा करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। एनसीईआरटी करा रखी है और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर ले रहा हूँ, जिसमें बहुविकल्पीय, लघुउत्तरीय, मतलब 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, हर नंबर के क्वेश्चन को लेके मैं करा रहा हूँ, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो गणित को कैसे पढ़ना है, गणित के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे उदाहरण के क्वेश्चन, गणित के जो उदाहरण होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उदाहरण बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आता है, ठीक, और ये चीज़ मैंने कल भी बोला था।
और इसके बाद एनसीईआरटी के साथ साथ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर इनको जरूर करना, ठीक। और इस टाइम पे आके आपको सभी विषयों को टाइम देना है, ये नहीं आज गणित और विज्ञान पढ़ रहे हैं, कल सामाजिक विज्ञान और हिंदी पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट्स का गैप नहीं रहने चाहिए बीच बीच में, सब्जेक्ट्स आपको साथ में लेके चलना है, समझ रहे मेरी बात। दिन का शेड्यूल ऐसे बनाना है कि आप सभी विषयों को पढ़ के उनको रिवाइज भी कर पाएं। 24 घंटे हैं, सोना नहीं है, सोते रहोगे तो हो जाएगा, जो टाइम चला गया वो फिर वापस नहीं आना मुड़ के, ठीक है। तो डेली पढ़नी है, स्ट्रेटेजी बना के पढ़नी है, लिख लिख के पढ़ना है, ठीक है, नोट्स बना के पढ़ना है, और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है आपके उन सबसे दूर रहना है। खुद से मोटिवेट होने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, पढ़ने वालों के लिए जितना समय बचा है वो बहुत ज़्यादा है, और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो हार मान जाते हैं, उनके लिए बहुत कम है, ठीक है। अभी भी कम से कम 2 महीने का समय बच रहा है, 2 महीने में 60 दिन और हर दिन में 24 घंटे, गुणा कर लो इतने घंटों में ना, अगर आप शुरू से भी पढ़ोगे तो भी फोड़ सकते हो। खुद से गिव अप मत करो, ठीक है, मेहनत करो और आप एग्ज़ाम में ज़रूर फोड़ के आओगे, ये मेरे से आप लिख लो, ठीक है, ये कोशिश करनी है। अगर मैं टाइम की बात करूँ, आपको कितना टाइम देना चाहिए, तो हिंदी में डेली 1 घंटा दे दो, डेली 1 घंटा, सामाजिक विज्ञान में 1.5 घंटा अगर डेली पढ़ोगे ना तो भी बहुत है, ठीक है। 2 घंटे इंग्लिश को देने हैं, विज्ञान को 2.5 घंटा दे दो, और गणित को भी 2.5 से 3 घंटा दे दो। जिनकी गणित एवरेज है वो 2.5 घंटा देना, जो तो गणित में थोड़े से कमज़ोर है वो 3 घंटा दे देना। अगर इतने घंटे हर एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, इतना भी पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम में फोड़ोगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे नया हो तो इसे सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना, और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।